बिल साइड के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हमारे सामने खड़ी है TVS की स्पोर्ट्स दी ऑल न्यू जो लॉन्च हुई है। तो भाई हमने इसे कुछ दिन पहले ही परचेज़ किया है और मैं आपको इसका वॉकअराउंड दूंगा क्या कुछ है गाड़ी। और अभी मैंने इसे लगभग 800 किलोमीटर चला दिया है। एंड तो भाई क्या कुछ मेरा एक्सपीरियंस रहा है इन 800 किलोमीटर इस गाड़ी को चलाते हुए, क्या कुछ दिक्कतें मुझे आई है इस गाड़ी में, और मैं आपको सारा कुछ इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा क्या क्या मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इस गाड़ी के। और एक छोटा सा वॉक अराउंड देता हूँ मैं इसका। तो जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं TVS की जो ऑल न्यू स्पोर्ट्स है 2021 एडिशन, वो आप देख सामने ग्रीन, ब्लू, रेड, ग्रे, पर्पल, वाइट। तो आप ये जो कलर देख रहे हो ये आपको पर्पल कलर दिख रहा है। एंड इसके दो वेरियंट आते हैं गाइज, एक किक विदाउट सेल्फ एंड किक एंड सेल्फ दोनों। तो भाई किक की जो प्राइस आपकी जो पड़ने वाली है वो एक शोरूम 56,549 रुपीज़, और वहीं आप अगर सेल्फ लेते हो विथ किक के साथ तो आपको 58,155 रुपीज़ पड़ने वाली है एक शोरूम। और भाई इस गाड़ी की अगर बात करें तो आप तो सब जानते हुए हो कि ये माइलेज की किंग है। कंपनी से 75 किलोमीटर पर लीटर गाड़ी की माइलेज को क्लेम करती है, और इन रियल लाइफ में भी भाई ये उतना दे ही देती है। 100 सीसी सेगमेंट की बाइक है, 109.7 सीसी की बाइक है ये। वन सिंगल सिलेंडर आपको एयर कूल्ड सिस्टम के साथ देखने को मिलता है, फ्यूल इंजेक्टेड इंजन के साथ। और भाई ये जो पावर प्रोड्यूस करती है वो 8.29 PS ऑफ पावर प्रोड्यूस करती है 8.7 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क के साथ। 4 स्पीड इसमें गियर आपको देखने को मिलती है। अगर इसके सामने लुक से देखें तो भाई ठीक है, मतलब अगर आप इस सेगमेंट में प्लैटिना को अगर आप कंपेयर करते हो तो प्लैटिना से तो लाख गुना अच्छा है, लाख गुनी अच्छी दिखने में लगती है भाई। यहाँ पे देखे हुए तो आप यहाँ पे विंड वाइज़र आपको ब्लैक देखने को मिलता है। भाई क्वालिटी एंड फिनिशिंग के वाइज TVS ने काफ़ी अच्छा काम किया इस गाड़ी में, मतलब आपको इस प्राइस सेगमेंट की बाइक में आपको ऐसा फिनिश एंड क्वालिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है यहाँ तक कि आप देख सकते हो। एंड ये जो आपके मटेरियल यूज़ की गई है वो अपाची में सेम ऐसे ही आती है, उसको कॉपी की गई है। मतलब आप देखोगे तो मतलब अपाची किस सेगमेंट की गाड़ी है एंड ये अंडर लैक्स की सेगमेंट में गाड़ी में आती है। तो आप देख सकते हो यहाँ फिट एंड फिनिशिंग काफ़ी अच्छी दी गई है TVS की तरफ से। एंड यहीं पर सामने अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर सस्पेंशन देखने को मिलता है। और भाई अगर टायर की बात करें तो यहाँ पे आपको TVS के टायर्स देखने को मिलते हैं 2.717 इंचेस के अलॉय के साथ। और ऐसे ही कुछ भाई गाड़ी है, यहाँ पे आपको TVS की बैजिंग देखने को मिलेगी, यहाँ पे ETFI की कुछ इको थ्रस्ट कुछ करके स्टिकरिंग देखने को मिलती है, यहाँ 109 सीसी की इंजन आपको देखने को मिलेगी। भाई बैक पे देखें तो आपको 3.017 के टायर्स देखने को मिलते हैं, 17 इंचेस के टायर, वेट की साइज 3.00 mm होगी भाई। TVS के टायर्स में ऑप्शन दिए जाते हैं बैक में भी। पीछे अगर आप आते हो तो इंडिकेटर्स, यहाँ पे अगेन TVS की स्टिकरिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिशिंग में आपको डिज़ाइन दी जाती है जो कि ठीक लगती है, काफ़ी अच्छी लगती है। एंड पहले वाली स्पोर्ट्स से काफ़ी बेहतर कर दी गई है इनकी ग्राफिक्स को। यहाँ पे स्पोर्ट्स की स्टिकरिंग देखने को मिलेगी, यहाँ से आप बूट खोल सकते हो देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा, यहाँ ड्यूरा लाइफ की आपको स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है, इंजन ड्यूरा लाइफ की स्टिकरिंग के साथ आती है। और अगर आप सामने की तरफ बात करते हो तो कुछ ऐसा दिखता है TVS स्पोर्ट्स का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सारा कुछ आपको एनालॉग मिलता है यहाँ तक कि आप देख सकते हो स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ओडोमीटर, सारा कुछ आपको यहाँ पर एनालॉग मिलता है। तो भाई बात करते हैं 800 किलोमीटर चलने के बाद क्या कुछ प्रॉब्लम और दिक्कतें मैंने फेस करा है। तो भाई सबसे पहले अगर प्रॉब्लम की बात करें तो अगर आप गाड़ी में बैठते हो तो सबसे आपको लाइट वेट गाड़ी फील होती है। एंड कंपनी वालों ने इसका इंजन का तो ट्यूनिंग काफ़ी अच्छा किया है, बट जो इसके फ्रंट टायर्स की जो ट्यूनिंग वाइज आप अगर बैलेंस देखोगे तो वो काफ़ी थोड़ी अजीब टाइप की गई है। मतलब आप जैसे ही बैठ के अगर इस पर आप चलते हो तो आपको एकदम बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस फील तो पहले नहीं होगा एकदम, और सडनली इसकी जो आगे की व्हील है वो उठ जाती है आप अगर झटके से, या तो अगर आप
गाड़ी को रेस दोगे तो आराम से इसकी व्हील काफ़ी ऊपर उठ जाती है। तो अगर आप 40 से 50 की स्पीड पे भी हो और अगर आप टर्निंग हल्का सा भी टर्निंग है तो आप इसमें आप एकदम कंफर्टेबल, आप इसमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस फील नहीं करोगे। गाड़ी क्योंकि सडनली स्लाइड कर सकती है कभी भी, क्योंकि भाई इसकी जो आगे की व्हील का वेट है वो काफ़ी लाइट है पीछे की अगर आप कंपेयर करो तो। इस कारण काफ़ी इसमें आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा गाड़ी को चलाते हो। एंड 60 से अबव जाने के बाद गाड़ी काफ़ी वाइब्रेट करने लगती है। अगर भाई आपके गाड़ी के पीछे अगर दो पिलियंस बैठ गए हैं स्पीड ब्रेकर्स वगैरह, उसमें भाई गाड़ी उठनी ही उठनी है। आप मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंस फील नहीं करोगे और गाड़ी चल भी मतलब बहुत दब के खींचती है भाई गाड़ी। और अगर आप सिंगल लोड सिंगल एंड एक पिलियन बैठे तो भाई काफ़ी अच्छी, उसमें तो फिर काफ़ी अच्छी है। लेकिन सबसे मेजर प्रॉब्लम भाई इसकी जो व्हील है वो उठ जाती है। दूसरी दिक्कत की बात करें तो दूसरी सबसे मेजर दिक्कत है भाई कि इस गाड़ी की जो गियर में काफ़ी गियर अटकती है, मतलब गियर सही से लगती ही नहीं है भाई। कभी भी अगर आप लगाना चाहो तो कुछ कुछ टाइम पे सही से लगेगी, जबकि आप क्लच फुल आप प्रेस भी करके रखोगे तब भी ये गियर नहीं लगती है। गियर्स में भाई काफ़ी आपको थोड़ा सा जर्कनेस फील होती है और गियर्स में मतलब भाई आपको थोड़ा सा दम लगा के गियर्स लगाना पड़ता है तब लगती है भाई। और मैंने एक चीज़ नोटिस किया, मुझे लगता था भाई ये कि मेटल का, बट भाई ये फाइबर का आपको दिखने को मिलेगा इस गाड़ी में। और ऐसा सच ऐसा कोई तो दिक्कत है मुझे फील नहीं हो, बस दो चीज़ें जो मेज़र आपको दिक्कत थी वो मैंने बताया भाई। और गाड़ी की सीटें भी ठीक ठाक ही हैं, आप ट्रिपल लोडिंग तो इसमें बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो जो है मेन। और इसकी जो प्लस पॉइंट है भाई, इसका जो इंजन का जो ट्यूनिंग की गई है काफ़ी अच्छी की गई है, मतलब इसकी जो पिकअप एंड माइलेज है वो काफ़ी अच्छी है, सभी गाड़ियों से काफ़ी अच्छी इसकी पिकअप एंड माइलेज है। बस दो तीन जो मेज़र प्रॉब्लम थी जो मैं फेस कर रहा हूँ वो आपको बताया इन 800 किलोमीटर में। और बाकी अगर ऐसी कुछ दिक्कत आती है तो मैं आपको फिर वीडियो बना के दिखा सकता हूँ। भाई एक चीज़ और जो कंपनी को देनी चाहिए वो भाई कि अगर आप इग्निशन ऑन पे अगर पास देते हो तो पास की लाइट को ऑन करनी चाहिए थी भाई, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं गया। खैर ये अपाची में भी नहीं दिया गया, पता नहीं क्यों, TVS वालों को तो देना चाहिए भाई अपाची में कम से कम, बट दोनों में ही नहीं दिया गया। वीडियो पसंद आया हो तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।